नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बीते दिन राजस्थान में चुनाव प्रचार कर लौटे हैं, जिसके बाद धन सिंह रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। दरअसल कांग्रेस को परेशानी धन सिंह रावत की फोटो से नहीं, बल्कि उस फोटो में मौजूद उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर रामकुमार शर्मा से है। इसी को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राजकुमार शर्मा जिस तरह से फोटो में दिख रहे हैं वो आचरण सेवा नियमावली के विरुद्ध है। आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि राजस्थान समेत चार अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव गतिमान हैं, उसमें राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे उत्तराखंड के काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि कई महत्वपूर्ण विभाग उत्तराखंड में संभाल रहे हैं, उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए चंपावत में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी अपने साथ वो चुनाव प्रचार और एक राजनीतिक कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत का सत्कार करते हुए डॉक्टर श्री राम कुमार शर्मा दिखे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस मुख्यालय में कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अग्निवीर वन रैंक वन पेंशन, अंकिता मर्डर केस, महंगाई और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को पौड़ी गढ़वाल के दावेदार बताया उन्होंने। साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे में बनाए जा रहे टनल के सर्वे की भी मांग की है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो चलाए जा रहे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की भी उन्होंने इस दौरान प्रशंसा की। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मैं पूर्व प्रत्याशी हूं, इस बार मैं एकमात्र दावेदार हूं। प्रत्याशी कौन बनता है मैं भी नहीं निर्णय ले सकता हूं, गणेश गुदियाल जी भी नहीं ले सकते हैं। पार्टी और जो भी पार्टी कहेगी, जो भी पार्टी निर्णय लेगी, वो उस निर्णय को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं जिस राह पे चला हूं, मैं जब कांग्रेस पार्टी में आया था 2019 में, तो मुझे अगर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा होती तो मैं नहीं आता। मैं अकेला चला हूं 2019 से, आप समझ सकते हैं, अकेला चला हूं। ये भी काफी गंभीर समस्या है। केदारनाथ कैसे जीतेंगे 2024 का, उसमें राजेश चमोली भी था, वो भी आ जाता। भूलवश आपको देर रात मैसेज। तो देहरादून से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर कई मुद्दों को लेकर घेराव किया गया है। मनीष खंडूरी ने सरकार को इस मामले में घेरा है। कांग्रेस पार्टी की उन्होंने प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस का मुद्दा उठाया जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाएगा, युवाओं का मुद्दा उठाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इस दौरान की और उसमें उन्होंने जमकर सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा भी इस दौरान की है। उन्होंने कहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कई मुद्दों पर लड़ा जाएगा, जिसमें बेरोजगारी, युवा, अंकिता भंडारी मर्डर केस समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा। साथ ही जो टनल हादसा है उसको लेकर भी कई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। और वहीं धामी सरकार ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई आईपीएस और पीसीएस अधिकारी को पहाड़ पर भेजने की खबर है। वहीं देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल को अपर सचिव ग्राम विकास बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वहीं जो आईपीएस वरुण चौधरी को सीडीओ पिथौरागढ़ से हटाकर हरिद्वार नगर आयुक्त बनाया गया है। अभिनव शाह सीडीओ चमोली, नंदन कुमार सीडीओ पिथौरागढ़, डॉक्टर दीपक सैनी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मसूरी, अशोक कुमार पांडे पीसीएस और सीडीओ नैनीताल उनको बनाया गया है।
तो ट्रांसफर और तबादले की ये लिस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून से ये खबर है जहां पर धामी सरकार ने कई आईपीएस पीसीएस आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के अस्थाई मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की गई। आपको बता दें जिसमें एनएचआईडीएलसी के एमडी महमूद अहमद ने बताया है कि सिलक्यारा टनल में बचाव ऑपरेशन तेजी से संचालित किया जा रहा है। साथ ही 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए खाद्य सामग्री और दवाइयां वहां तक पहुंचाई जा रही हैं और टनल में फंसे लोगों के पास 2 किलोमीटर तक का सेफ एरिया मौजूद है। उन्होंने बताया कि टनल में फंसे श्रमिकों से संवाद भी हुआ है और वीडियो के माध्यम से उनकी स्थिति का भी पता लगाया गया है। साथ ही टनल के अंदर 900 mm पाइप को 22 मीटर तक पुश कर दिया गया है। कुछ बाधा आने के बाद ड्रिलिंग रुक गई है। वर्तमान समय में टेलीस्कोप मेथड से 900 mm पाइप के अंदर 800 mm के पाइप को पुश किया जा रहा है और जो ऑगर मशीन से फिर से ड्रिलिंग जल्द शुरू की जाएगी। खिचड़ी और दलिया भेजने का हमने कोशिश की है लेकिन जैसे मेडिकल जो हमको सुझाव मिले थे उसके हिसाब से उसे भेजना था कल, लेकिन जैसा हमने पाया कि पाइप के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा है, तो हमने पाइप को पूरी तरह साफ कर लिया। और दूसरी चीज़ जो उसकी पैकिंग आई थी वो कुछ हार्ड बॉटल्स में थी, तो आज जो हम भेजेंगे, जो आज हमने अभी तक भेजा है, आज हमने संतरे भेज दिए हैं, केला भेज दिया है, मौसम्बी भेजा है और दवाइयाँ भेजी हैं। नमक बहुत दिनों से वो चाह रहे थे तो आज हमने उनको डिमांड आई है। और जैसे वो कुछ बोलते हैं हमें चाहिए, तभी कुछ टेट्रा पैक्स वाले आपको पता होगा छोटे बॉटल्स होते हैं वो हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर यहाँ पर सभी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए मेरे को यहाँ नोडल नियुक्त किया गया है, तो मैं आप सभी का आज की प्रेस ब्रीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत है आज शाम को 4 बजे दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा भी वहाँ पर भी एक प्रेस ब्रीफिंग की गई है। उसके अंदर काफ़ी इशूज़ के बारे में जो NDMA के मेंबर हैं सैयद हसनैन सर उनके द्वारा ब्रीफ किया गया है, वहाँ पर काफ़ी उनके बारे में पॉइंट्स का डिटेल डिस्कस किया जा चुका है। काफ़ी जो हमारे लोकल मीडिया हैं और जो कुछ अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में हम आप सभी से वार्ता करना चाहेंगे। मेरे साथ आज की प्रेस ब्रीफ के अंदर हमारे DM साहब हैं, हमारे DG इन्फॉर्मेशन है और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो टेक्निकल एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं। हमने सारे 5-6 एजेंसीज को इकट्ठा किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हर एजेंसी को हमने स्पेसिफिक टास्क दिया है, किसी से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करा रहे हैं, किसी से वर्टिकल ड्रिलिंग करा रहे हैं और इन सब एजेंसीज के बीच में तालमेल रहे वो हम लगातार हमारी टीम वहाँ यहाँ बैठ कर उसको मॉनिटर कर रही है रेगुलरली। और जितने हमारे आर्मी के VRO के और अन्य ऐसे एजेंसीज हैं जिनसे हम मैन का अदर रिसोर्सेज का ले सकते हैं कोई भी कंट्रीब्यूशन वो हम ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है बिल्कुल। उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में जसपुर के गांव आसपुर में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही कार्यक्रम में जसपुर तहसीलदार सुभाग्नि आर्या और राजस्व विभाग खाद्य विभाग जल संस्थान पशुपालन विभाग विद्युत विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। उसमें जो है प्रत्येक गांव में जाके जो है वहाँ के लोगों से संवाद करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। इसमें सभी जिले के समस्त अधिकारी का एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग जो है प्रत्येक गांव में जाते हैं और वहाँ के लोगों से बैठ के उनकी समस्याएं उनको जानने का प्रयत्न करते हैं और जितनी समस्या हो सके उसे मौके पर निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी कुछ पेंशन की समस्याएं आई हैं, कुछ सड़क की समस्याएं हैं, वो संबंधित विभागों को बता दी गई हैं। इसके अलावा चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी आसन है और उसके मद्देनजर भी यहाँ लोगों से अपील की गई कि वो अभी समय है और हमारा कार्य भी चल रहा है, 9 दिसंबर तक चलेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बच गए हैं, जो युवा लोग हैं या जो महिलाएं जो शादी करके आई हैं, जो पुरानी महिलाएं जिनका वोट किसी कारणवश नहीं बन पाया, तो सभी लोग जो हैं इस बार अपना इसका फायदा उठाएं। विधायक शिव अरोड़ा ने गंगापुर हॉटमिक्स मार्ग के निर्माण का शुभारंभ किया। वहीं विधायक शिव अरोड़ा बोले कि ये मार्ग बहुत बड़ी आबादी को लाभ देने वाला मार्ग है।
जहां बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और ये मार्ग पिछले 10 साल से जर्जर हालत में था, जिस कारण मार्ग पर लंबे जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसके निर्माण से जहां आवागमन सुलभ होगा, वहीं जनता के उपयोग की दृष्टि से ये मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए और अधिक उपयोग में आ सकता है। इस दौरान प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, मंडी चेयरमैन के दास, भाजपा नेता सुरेश कोहली व अन्य लोग भी मौजूद रहे। माननीय विधायक जी ने प्रयास करके गंगापुर रोड के लिए इसको पास कराने में अपना सहयोग किया है। 4,26,00,000 रुपए आया है और इसके लिए मैं विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सांसद का आभार व्यक्त करता हूं, जिसकी वजह से अब ये सड़क दोबारा बन जाएगी। जगह जगह खड्डे हो रहे थे, टूटी है। यहाँ पर 10 से ज्यादा स्कूल है, 100 से ज्यादा कॉलोनियां आ चुकी है, बहुत सारी पब्लिक आ गई है। अब जो रुद्रपुर पहले एक था, वो रुद्रपुर अब एक नया रुद्रपुर बनता जा रहा है आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड की सोच, हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है कि उत्तराखंड 2025 में कैसा होगा। बिगवाड़ा जो है दक्ष चौराहे वाली थी, 10 साल से सड़क की दुर्दशा है, वो सड़क का जो है 330,00,000 का प्रस्ताव है, वो हमारा स्वीकृत के अंतिम चरण में आ गया है। काशीपुर बाईपास का है, ये आ गया है, इसको हमने शुरू करा दिया है। आवास विकास में ये बृहस्पति मंदिर से लेकर अटरिया मार्ग तक वो 150 सड़क पिछले 10 साल से उसकी दुर्दशा है। आवास विकास शिव शक्ति मंदिर के सामने घंटे मतलब 1-1.5 फुट के गहरे गड्ढे हैं, 5-5, 7-7 फुट के चौड़े गड्ढे हैं, वो अटरिया मोड़ तक उसकी बहुत दुर्दशा है। ऐसे अटरिया मोड़ जो है वहां से लेके सिडगुल की ढाल तक उस सड़क की दुर्दशा, उसका राज्योजनों में भी प्रस्ताव में देके आया हूँ, वो भी आदरणीय पंकज पांडे से भी मेरी चर्चा हुई है, उस प्रस्ताव को भी आगे बढ़ा दिया है। फिर बड़े प्रस्ताव है 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के, अभी तक लगभग 14 करोड़ के प्रस्ताव यहाँ स्वीकृत करा के काम शुरू करा दिया हमने। पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर परिसर में, आपको बता दें कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधीक्षक जसपुर डॉक्टर मंजू पाल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर मंजू पाल द्वारा छात्रों को योग, दिनचर्या, पंचकर्म की जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को निःशुल्क औषधियां और छात्राओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। इस दौरान डॉक्टर मंजू पाल ने बताया कि आयुर्वेदिक पद्धति से किया गया इलाज कारगर साबित होगा। अभी आप लोग जैसे कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, देखो जैसे पीपीएनटी इंटर कॉलेज में आयुर्विद्या से रिलेटेड कैंप लगाया गया, जिसमें सारे बच्चों को योगा के बारे में, आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनके बारे में जानकारी दी गई और आयुर्वेद से कैसे हम रोगों से निजात पा सकते हैं, लोगों से कैसे जड़ से हमें छुटकारा मिल सकता है, इन सब के बारे में बताया गया। और घर में जैसे हमारे जो भी मसाले हैं, दालचीनी, इलायची, लौंग हो गया, अजवाइन हो गया, इन सब चीज़ों से कैसे हम घर से ही घरेलू उपचार के द्वारा ही बीमारियों को दूर कर सकते हैं और कैसे स्वस्थ मनुष्य अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। और गहन जानकारी आप लोगों को देने के लिए विद्यालय में डॉक्टर मंजू और उनकी कैंपेनिंग करें। आप सब जानते होंगे इसके बारे में, हमने किसी भी इंस्टीट्यूट को अलाउ नहीं किया, हमने कहा नहीं, आप अपने इंस्टीट्यूट की कैंपेनिंग करेंगे, उसमें कम से कम हमारे बच्चों के 2 पीरियड्स के रोगी अगर हम बीमार नजर आएगा आप लोगों को, इसमें कुछ ऐसे मसाले दिए गए हैं जो कि हमारी पिछले स्कूल में ये हम लोगों को कैंप करने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि आप लोग जाके घर पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कभी आप लोग जैसे कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, देखो जैसे ये वाला पोस्टर। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में बुधवार को अस्थाई मीडिया सेंटर सिलक्यारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान एनएचआईडीसीएल के एमडी अहमद ने बताया कि टनल के अंदर 900 एमएम पाइप को पुश किया गया था। वर्तमान समय में टेलीस्कोप मेथड से 900 एमएम पाइप के अंदर 800 एमएम का पाइप को पुश कर लिया गया है। कुल 39 मीटर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, वही ड्रिलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही अहम जानकारी देते हुए सचिव उत्तराखंड डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि श्रमिकों की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मनोचिकित्सक से उनकी बात कराई जा रही है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी को लेकर के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
इनको निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे, सचिव उत्तराखंड डॉक्टर नीरज खैरवाल, जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला, महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कल शाम हमने बताया था कि हमारी 800 mm की पाइप, हम 900 mm डायक पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन पौने एक बजे और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि तीन और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 प्लस 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है। और वहीं विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मंगलौर के थितकी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों मत्स्य पालक किसानों ने भाग लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मत्स्य किसानों को मत्स्य पालन के 29 वर्षीय मत्स्य पट्टे वितरित किए गए और मत्स्य समिति के अध्यक्ष और सचिव को सम्मानित भी किया गया। पूर्व राज्य मंत्री नेपाल सिंह कश्यप ने बताया कि देश और प्रदेश में मत्स्य पालन को लेकर विकास हो रहा है। शीघ्र ही मत्स्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर मत्स्य आयोग और मत्स्य बोर्ड बनाने की बात की जाएगी, जिससे मत्स्य पालकों की समस्या के समाधान का रास्ता खुल सकेगा। इनको भी पट्टे का आवंटन किया गया। पूरे विश्व के अंदर विश्व मात्स्यिकी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में भी जगह जगह जनपद में हमारे दो तीन जगह किया जा रहा है और हमारे पूरे देश में यह एक हर्षोल्लास के साथ मना जा रहा है। इसमें आज हम अपने सरकार की योजनाओं के बारे में हम अपने किसानों को बताते हैं और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारी मत्स्य संपदा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया और उसके साथ साथ अनेकों योजनाएं चलाई गई, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे मत्स्य से राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के रूप में 10 जुलाई को लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री इनको भी पट्टे का आवंटन किया गया है। शेष पट्टेदार या महिला हो उस पर 60% हमारे और इसके साथ साथ हमारे दिनेशपुर के क्षतिग्रस्त गदरपुर मटकोटा मार्ग पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही का जो हादसा है, सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस सड़क पर कई लोगों ने अपनी जान गंवा ली है। एक बार फिर इस सड़क पर बाइक से जा रहे माँ बेटे और एक बेकाबू कैंटर चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में सड़क किनारे गिरकर महिला के सिर पर चोट आई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, कल हमारे ग्राम पंचायत के राधाकांतपुर गांव की घटना है कि उसकी माँ और बेटे जो है जयनगर काम करने के लिए जा रहे थे, जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं, और समय सुबह प्रातः जो है जब काम के लिए जा रहे थे तो चंडीपुर और कालीनगर के बीच में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कंटेनर के माध्यम से, जिसमें जो है कंटेनर ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को ठोका था, जिसमें माँ जो है गंभीर रूप से घायल होकर नीचे रास्ते में गिर गई और तुरंत मौके पर जो है उसने अपना दम तोड़ दिया था। तो बंदे अस्तित्व को तिवारी नहीं हो बड़ा पर क्या और वहीं देहरादून अस्पताल में डॉक्टर मरीजों के लिए ब्रांडेड दवा लिखने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि अस्पताल में आ रहे मरीजों को ब्रांडेड दवाएं न लिखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रांडेड दवा मरीजों को अस्पताल में नहीं मिलती है, मरीजों को महंगी कीमत देकर ये दवाएं निजी मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस तरह के दो पर्चे पकड़े जिसमें ब्रांडेड दवा लिखी थी। अस्पताल के
एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने इस मामले में कहा। उन्होंने दौरा किया और इस दौरान दो पर्चियां ऐसी पकड़ी गई जिसमें ब्रांडेड दवाइयां लिखी थी। दो मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेड दवाएं जो लिखी गई थी, मरीजों ने बताया कि दवाएं अस्पताल की फार्मेसी से नहीं मिल पाई, इसलिए इन दवाओं को निजी मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ा। नहीं देखिए, हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा अस्पतालों में तो दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, लेकिन दून अस्पताल में शुरू से ही एक प्रथा चलती आ रही है कि यहाँ पर हम ओपीडी पेशेंट को भी निशुल्क दवाई प्रोवाइड कराते हैं। इसमें करीब हमारी 370 दवाइयाँ हैं जो हम निशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हम लोगों ने कल एक ऑडिट भी किया था जिसमें करीब 10 पर्चे हम लोगों ने रैंडमली चेक किए, उसमें लगभग 40 दवाइयाँ लिखी गई थी। सिर्फ दो उसमें बाहर की दवाई थी जिसके पूछने पर यह पाया गया कि मरीज को संज्ञान में लेकर ही वो लिखी गई, क्योंकि उनके बदले की जो दवाइयां यहाँ पॉसिबल थी उनसे मरीज को फायदा नहीं हुआ था। आबकारी विभाग में हुए तबादलों और निलंबन के बाद से आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। हरिद्वार और देहरादून में हुए ताबड़तोड़ निलंबों और तबादलों का कारण कुछ अनियमितताएं बताई जा रही हैं जो कि विभाग में की जा रही थी। आपको बता दें कि हरिद्वार में विदेशी मदिरा दुकानों में किए गए निरीक्षण और जांच में अनियमितता पाई गई, जिसमें विशेष रूप से 52 पेटी बिना होलोग्राम लगी हुई शराब बरामद की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार को 72 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र हरिद्वार संजय सिंह को मामले में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल उनके पद से हटा दिया गया। आबकारी विभाग के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि हरिद्वार में देहरादून में जो है राज्य के बाहर का माल और जो ड्यूटी पेड ली उस तरीके के मदिरा के आने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा जो है आबकारी विभाग के अधिकारियों को जो उस जनपद में हैं उसके अतिरिक्त बाहर के जनपदों से भी अधिकारी लगाए गए थे हरिद्वार में, तो 19 तारीख को वहाँ एक जगह 52 पेटी विदेशी मदिरा पाई गई थी जो कम से कम एक महीने से ज़्यादा पहले उसका परमिट जारी हुआ था, उसके बावजूद भी उसमें होलोग्राम नहीं थे, तो संदिग्धता पाते हुए अधिकारियों की लापरवाही के लिए संबंधित जिले के अधिकारी को। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।